हेलो दोस्तों, पहल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पहल सर। आज हमारा टॉपिक होगा सांख्यिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का पार्ट वन। पार्ट वन में आज आपको बताएंगे हम स्टैटिक्स का बेसिकली चीजें, कि स्टैटिक्स किन किन चीजों से मिलकर बना और क्या क्या हमें इसमें फाइंड आउट करते हैं, ध्यान रखना। तो स्टैटिक्स हमारा सेवेंथ क्लास से स्टार्ट हो जाता है बच्चों, और हमारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्टैटिक्स का मैथमेटिक्स चलता है, और हमारे कई टेस्टों में भी स्टैटिक्स के बारे में पूछा जाता है। तो स्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक हमारा मीन। मीन को क्या बोलते हैं बच्चे? माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य। सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे हम मीडियन। मीडियन मीन होता है हमारा माध्यक। क्या होता है बच्चे? माध्यक। और थर्ड हमारा होगा मोड। मोड मीन्स बच्चे क्या होता है? बहुलक। क्या होता है? बहुलक। मैं इनके नाम से ही आपको इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में क्लियर बताऊंगा। इन तीन चीजों के बारे में केवल हम स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा मीन। आज मैं आपको मीन के बारे में बताऊंगा कि मीन क्या चीज होती है और कैसे मीन को फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे? मीन। बिल्कुल अपनी पेन कॉपी को उठाकर आप साथ के साथ लिखते रहिए और साथ में सीख लीजिए कि मीन हमारा क्या होता है। मीन जिसको बोलते हैं हम क्या? माध्य। इसको मैं डिफाइन करूंगा एक्स बार से। किससे? एक्स बार से। मीन का मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान से देखेंगे। मीन इसको हिंदी में इसका फार्मूला होता है आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग भाग में आंकड़ों की संख्या, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भाग में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा? डाटा। क्या होगा? डाटा। डाटा हमारे गिवन होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? गिवन होते हैं। तो डाटा क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डाटा। डाटा हमारे क्या होते हैं? जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, 2, 3, 5, 4, 6 इज कॉल्ड डाटा। डाटा मीन्स आंकड़े। तो इसका मीन हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ध्यान से मैं मीन निकालने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सम ऑफ डाटाज, सभी डाटाज को आप ऐड करो, और नंबर ऑफ डाटा कितने हमारे? 1, 2, 3, 4, 5 5 से डिवाइड करो। तो इसका सम करो जल्दी से। 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10 10 + 4 हमारा 14 14 + 6 हमारा क्या होगा? 20 बच्चे। कितना होगा? 20। तो आप ऐड आसानी से कर सकते हैं। डिवाइडेड 5, तो हमारा मीन आ गया बच्चे यहां पर 4। बिल्कुल ही आसान। जब हमें सिंगल डाटा गिवन हो तो हम मीन इस तरह निकालते हैं, ध्यान रखना। तो मीन निकालने का ये फर्स्ट फार्मूला था। इसमें बेसिकली मीन ऐसे ही निकाला जाता है जिसमें हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे जितने ऑब्जर्वेशन गिवन है, नंबर है, उनसे डिवाइड कर देते हैं बच्चे। तो ये हमारा फार्मूला है मीन निकालने का। अब मीन को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब हम सेकंड फार्मूला लेंगे मीन का। तो मीन का हमारा सेकंड फार्मूला क्या है बच्चे? ध्यान रखेंगे। हम मीन तीन फार्मूले से ज्ञात करते हैं। हम आज हमारी फर्स्ट स्टेप लेंगे जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इससे हम मीन निकालेंगे। तो इससे मीन निकालने का हमारा फार्मूला क्या होगा? मीन इज इक्वल टू, ये होता हमारा सुमेशन। क्या होता है? सुमेशन। सिग्मा बोलते हैं, एफ आई मल्टीपल एक्स आई डिवाइडेड बाय सुमेशन ऑफ एफ आई। अब इसका मतलब होता है हमारा सुमेशन, इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन यहां हिंदी में बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है बच्चे जोड़। क्या होता है? जोड़। एफ आई डॉट एक्स आई का मतलब आप आसानी से समझ गए होंगे कि इन दोनों की गुणा। एफ आई होती है हमारी फ्रीक्वेंसी और एक्स आई होता है हमारा क्या? मिड पॉइंट। क्या होता है बच्चे? मिड पॉइंट, ठीक है, जिसको माध्य बिंदु बोलते हैं। मैं इसके बारे में अभी डिटेल से बताऊंगा आपको। बिल्कुल ध्यान देंगे। आज हमारा पहला फार्मूला होगा माध्य। माध्य के डायरेक्ट विधि के बारे में मैं अच्छी तरह से आपको क्लियर करवाऊंगा। तो हम सबसे पहले लेंगे यहां हमारी रकम, जिसके अंदर फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चे क्या? ध्यान से देखेंगे, यहां आएगा हमारा क्लास इंटरवल।
क्लास इंटरवल को बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलेंगे हमें? वर्ग अंतराल, अंतराल सॉरी, वर्ग अंतराल हमारा क्या होता? क्लास इंटरवल। बिल्कुल ध्यान देंगे, क्लास इंटरवल में क्या होंगे हमारे? क्लास इंटरवल के अंदर क्या होगा ध्यान से देखना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से बचे 70। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है FI फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं हिंदी में बारंबारता। क्या बोलते बच्चे? बारंबारता की फ्रीक्वेंसी 10 से 19 तक हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 5। और यहां 20 से 29 तक, 30 तक नहीं लेंगे हम, 29 तक हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है। कि उनकी संख्या कितनी है उन वस्तुओं की? यहां 30 से 39 तक हमारी संख्या 3 गिवन है, या 40 से 49 तक 50 नहीं लेंगे बच्चे उसके अंदर हम, तो वहां हमारी संख्या कितनी आंकड़ों की? 4 है। इसी प्रकार 50 से 59 तक हमारी 2 है और यहां 60 से 69 तक हमारी 1 है। ये जो फ्रीक्वेंसी है गिवन होती है क्लास इंटरवल में हमारा, गिवन होता है हमारी स्टेटमेंट के अंदर, हमारी इक्वेशन के अंदर, रकम के अंदर, ध्यान रखना बच्चे। तो हम फिर क्या निकालते हैं? एक्स आई। एक्स आई मतलब मिड पॉइंट। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे एक्स आई कैसे निकालते हैं। हमारे क्लास इंटरवल होते हैं 10 से 20, तो क्लास इंटरवल के अंदर दो चीजें होती है, बिल्कुल ध्यान देंगे बच्चे। ये हमारा क्लास इंटरवल है 10 से 20, तो इसमें ये हमारी होती है लोअर लिमिट और ये हमारी होती है अपर लिमिट, ठीक है बच्चे। तो इसको क्या बोलते हैं? एल से, एल का मतलब है लोअर, लोअर लिमिट। हिंदी में बोलेंगे निम्न बारंबारता। क्या बोलेंगे? निम्न। और यू से होगा हमारा अपर, अपर लिमिट। तो बच्चे इनके बीच का डिफरेंस कितना हमारा? 10। 10 में 5 हमारे लोअर लिमिट के, 5 हमारे अपर लिमिट के, दोनों का इससे कितना आ गया? 5-5। तो आप जो लोअर लिमिट में है इसके हिस्से के लोअर लिमिट के अंदर ऐड कर दो, तो इसके में कितने पार्ट आए? इसके 10 का बीच का डिफरेंस था 5, इसके 5, इसके, तो इसके अंदर हम 5-5 ऐड करेंगे, तो 10 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो हमारा 15, 20 के अंदर करेंगे तो 25, 30 के अंदर करेंगे तो 35 और 40 के अंदर 45, 50 के अंदर ऐड करेंगे 55 और 60 के अंदर ऐड करेंगे 65। तो ध्यान देना बच्चों, वैसे इसका फार्मूला होता है क्या, 10 और 20 को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल के अंदर हम क्या निकालेंगे? हमारी क्लास इंटरवल के अंदर मिड पॉइंट को कैसे ज्ञात किया जाता, उसका फार्मूला ये है, बिल्कुल आसान ट्रिक्स हमारे। फिर हम क्या करेंगे? एफ आई डॉट एक्स आई, इसकी मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल भी कैसे की जाती है? देखो ध्यान से देखो, मैंने एक ही डायरेक्शन में लिखे हैं सभी को, आप पहले एक डायरेक्शन में लिखेंगे फिर की मल्टीपल करेंगे। 15-5 की मल्टीपल होगा हमारा 75, 20 और 2 की 50, बिल्कुल ध्यान से, 35 और 3 की 105, 45 और 4 की हम करेंगे 160, क्योंकि हमने की 4 पंजाबी 4 चूंकि 16 दो 18 दोबारा अगेन फिर 180 आएगी, तो मल्टीपल को ध्यान से करना। 52 5 के और 2 के मल्टीपल 110, 65 और 1 की 65, बिल्कुल ध्यान से आंकड़ों की डायरेक्शन सेम हो। तो यहां हमने क्या ज्ञात किया? ये हो गया हमारा समेशन ऑफ एफ आई डॉट एक्स आई, यानी कि एफ आई एक्स आई की गुणा करके हम जोड़ रहे हैं बच्चे 5, 5, 10 और 5, 15, बिल्कुल ध्यान देंगे 7, 5, 12, 12 और 8 हमारी 20, 20, 7 और 1 28, 2 हमारी कैरी हो गई, 2 और 3 कितने हो गया? 5, तो हमारा सम आ गया 585, इसको आप चेक कर लेना। फिर हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चे? समेशन ऑफ एफ आई, तो ये कितनी है हमारी एफ आई फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 5 + 2 7 + 3 10 10 + 4 14 और 2 16 117, तो आप दोबारा से फिर इसको ऐड कर लेना बच्चे, तो कितने हो गए? 17 हो गए, ध्यान रखना। अब हमारा फार्मूला लिखेंगे मेन का, हमारा फार्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ सीक्वेंस एफ आई डॉट एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई एक्स बार इज इक्वल टू, हमने क्या निकाल रखा है ये 585 डिवाइडेड बाय 70। अब डिवाइड होता है तो कंप्लीट डिवाइड करो, वरना हम डिवाइड
कैसे करेंगे ध्यान से देखो, 17 से डिवाइड कर दो, 17 3 51 हमारा कितना बच गया 7, 17 4 16 8। अब हमारा कितना बच गया बच्चे यहां से 75 में से हम लेस करेंगे 68, 7 बच गया, 17 4 68 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया हमारी माध्य की। पूरा डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको ध्यान से देखना आप। दोबारा भी हम चेक करेंगे, हमें गिवन था, ये भी गिवन था बच्चे, हमने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट एक्स बार, जिसको क्या बोलते हैं एक्स आई, क्या है हमारा मिड पॉइंट, क्या ये मिड पॉइंट को हमने ज्ञात किया है, उसका फार्मूला क्लास इंटरवल दोनों को जोड़ो, दो से डिवाइड करो, या फिर हमारे मैंने अभी बताया था लोअर लिमिट के आप और अपर लिमिट के आप, उनको लोअर लिमिट में ऐड कर दो और सबकी गुणा करो, गुणा करने के बाद हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ जाएगा। फिर बच्चे हम क्या करते हैं, हम फार्मूले में रख देते हैं, इस प्रकार हमारा डायरेक्ट विधि से हमारा मीन निकल आता है। ठीक है बच्चों, मैं क्लास इंटरवल के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूं आपको, यहां से क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क्स हम कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क्स बिल्कुल ध्यान से, ये हमारे क्लास इंटरवल है, इन दोनों को ऐड करो और दो से डिवाइड करो, हमारे कितना आ जाएगा 30/2 हमारा हो जाएगा 50। ये हमारा आज का टॉपिक था मीन का, तो मीन की डायरेक्ट विधि आप सभी सोमो में ऐसे यूज कर सकते हैं और आसानी से हमारा मीन निकाल सकते हैं। कल हमारे सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि हम मीडियन कैसे निकालेंगे, थर्ड पार्ट में आप ये देखेंगे मोड कैसे निकालेंगे और इस तरह से स्टैटिक्स को कंप्लीटली आप सीख जाएंगे। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो लाइक है और पसंद आई है तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।